लोकेशन ना तो यूपी होगी और ना हरियाणा होगा, बीच का जो लोकेशन आप दोगे अच्छी तरह तय कर लो दोनों तरफ से, बीच की लोकेशन तय करके फोन पे बात कर लेंगे ना लोकेशन की बार बार। टाइम और लोकेशन भाई बादरगढ़ की दे रखी है, एक बार दे दी तो दे दी, आना है तो आओ नहीं आना मत आओ, एक बार दो बजने तो फिर देखते हैं किस हिसाब से। ऐसा हो सके शायद राजवीर ना जावे वहां, जहां तक मेरा मानना है ऐसा हो सके राजवीर शायद वहां ना जावे। लेकिन अब जो तुम कह रहे हो भैया कल चैलेंज है, ये है वो है और लड़ना जाएंगे, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि आप लोग तो जाओगे। ठीक है घर से फोन आया क्या, कौन सी रेसलिंग हो रही है? हाँ जी, तो राम राम मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग? तो मेरे भाई बड़ी सारी भसड़ चल रही है यहाँ की वहाँ की, तो मेरे भाई मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को ना घसीटो, हमारे नितिन ना घसीटो, ठीक है जी, हम दूरी सही है क्योंकि हमसे दूरी बनाना बहुत बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात, आप ये जात बिरादरी वाला काम मत करो, कोई कह रहा है गुजर है, कोई कह रहा हीर है, कोई कह रहा जाट है, कोई कह रहा ठाकुर है, तो मेरे भाई जात बिरादरी मत करो। दूसरी बात, तीसरी बात ये बोलूंगा कि माँ बहन की मत करो आपस में, माँ बहन ने तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ा। और चौथी बात बहुत जरूरी जो कि ये बोलूंगा कि आप हम या जो दोनों आपस में तीनों चारों जो भी लड़ रहे हो सब राम भक्त हो ना राम भक्त, तो माना कि तुम एक ही हो, तो भैया ऐसा मत करो जो न्यू कह रहा है कि मैं राम भक्त नहीं हूं, मैं रावण भक्त हूं, परली तरफ खड़े हो जाओ फिर हम भी आ जाएंगे राम भक्त बन के लड़ने को। तो ये लड़ाई बंद करो यार, ये सोशल मीडिया के बेकार की भगसड़ बंद करो, ठीक है, बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है, फ्यूचर में बच्चे ये सोचेंगे कि शायद हम भी किसी से कॉन्ट्रोवर्सी में लड़ाई कर लेते हैं, हमारा इंस्टाग्राम बढ़ जाएगा, हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आने वाली यूथ के लिए ये गलत है, तो इसको बंद करो अगर आप समझदार हो तो, वरना मर्जी आप। राम राम भाई। तो भाई एक्सरसाइज शुरू करने वाला था तो आकाश भाई का फोन आया कि भाई चीते ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। चैलेंज एक्सेप्ट क्या कर लिया, किसने क्या कर लिया भाई? रजत दलाल की और राजवीर की कंट्रोवर्सी चल रही, ठीक है, तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया रजत दलाल ने। राजवीर और आदिनागर एक साइड होंगे और एक साइड रहेगा रजत दलाल की और इनकी आपस में भिड़ंत होगी, ठीक है, उस साइड में दो रहेंगे, उस साइड में अकेला रहेगा। टाइम रखा कल, अभी वीडियो में दिखाऊंगे, टाइम रखा कल 2 बजे का, 2 बजे तक, और पहले साइन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा, जो मर जाएगा अपने को उठा कर ले आऊंगे, ठीक है। तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया भाई, अभी अभी वीडियो डाली उसने, तो आप क्या कहो इस बारे में, क्या होगा, ठीक है, कॉमेंट्स में बताइए क्या हो सके। वैसे जहां तक मेरा मानना है कुछ नहीं होना, ठीक है, ऐसा हो सके शायद राजवीर ना जावे वहां, जहां तक मेरा मानना है ऐसा हो सके राजवीर शायद वहां ना जावे, ठीक है। और भाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा, मैं भी यही कहूं, कंट्रोवर्सी यही शांत हो जाए, मैं कल भी कह रहा था, मगर इनका समझौता हो जाना चाहिए, लेकिन अगर भाई कोशिश करें सारे मिलकर तो समझौता हो भी जाएगा, पर बात है ना उंगली लगाने वाले जाते हैं, ठीक है। लड़ाई में कुछ नहीं रखा भाई, लड़ाई में क्या हो, लास्ट में फैसला ही हो, आदमी मरने के बाद भी फैसला ही हो है, तो मैं चाह रहा भाई समझौता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कंट्रोवर्सी बहुत। पहले तो होगी फॉलोअर्स बढ़ाने वाली बात, पर अब मुझे नहीं लग रहा था, अब सीरियस है भाई, अब फॉलोअर्स बढ़ाने बात नहीं, दिल से है वो, दिल पे ले रहा बात को। जितने भाई जुड़ रहे भाई लाइव शेयर करते रहो, जितने भी भाई जुड़ रहे भाई, ये सीरियस की बात देखो होनी भी चाहिए, यूं बताओ यार, कोई भी आएगा तो घंटा छोड़ दीजिए बाबा जी का, कोई बजा के चला जाएगा, यूं बताओ। बिल्कुल सही बात है। और भी देखो बेफजूल में गाली दे रहे हैं, उसके मुंह पे मां की गाली दे रहे हैं ना, जिसकी लड़ाई है उसे दिन तो तुम धार ले दो बीच में, ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, किसा दे रहे थे मुंह पर? मैं वो वीडियो भेजूंगा आपको, देखना भाई के मुंह पे गाली दी है, मतलब उसमें गाली दे रहे हैं। कौन? एक गुजर समाज का ही है वैसे, वो शायद नूपुर करके नाम है उसका भाई का। अच्छा अच्छा, वीडियो में दे रहे? हाँ मतलब वीडियो में दे रहे। हाँ। और जब लास्ट में वो वीडियो भी भेजूंगा, एक तो वीडियो इन लोगों ने क्लिप करके लगाई है, मतलब भाई क्लिप कट कट करके, लेकिन मेरे पास उस दौरान की अराउंड वो मेरे पे पूरी वीडियो है 1 से 1.5 मिनट की। अच्छा, जिसमें वो व्यक्ति बोल रहा है कि भाई तो माफी मांग ले, वो रजत भाई कह रहे भाई बस इतना ही है, क्या माफी है, हो गया तो होना था। तो ये एक्टिविटी गलत थी भाई, इसने विश्वास करके इंसान गया है, सारी चीज में हम ये ना कह रहे कि भाई तुम साथ दो, लेकिन खिलाफ भी मत जाओ यार। हाँ क्या जरूरत पड़ी यार, कुछ लड़ाई तो किसी समाज से तो किसी लड़ाई है ही नहीं मानोगे। और फिर इसकी रजत की इसकी तो थी राजवीर की, वो तो फालतू में वो पंगा लेने की क्या जरूरत है। सही बात। हाँ।
कि भैया देखो टाइम टाइम पे समाज में मतलब वाकई में ही छोटे छोटे बच्चे में रोज नहीं देखा मैंने, मैं 24 साल का हो गया भैया। एक तो वो देखा था उस टाइम पे जो वो हुआ था अमन राठी वाला केस हुआ था, शायद आप रूबरू हो गए उससे अच्छे से। और एक मैं तो सच बताऊं तुझे, मैं तो भाई हाँ पहली जी बार हाँ कंट्रोवर्सी से इस कंट्रोवर्सी को ध्यान से देखा, बाकी इससे पहले मैं हाँ ज्यादा मोबाइल भी यूज नहीं करता इतना। तो भैया ये बड़ी भसड़ चल रही है सोशल मीडिया पे, और जो भी चला रहे हो हमारे भाई हैं, चाहे छोटा बोलो या गैल का बोलो या कुछ भी बोलो मेरे भाई, ठीक है। तो बस इसके लिए यही है कि भैया मैं तो इतना ही बोलूँगा कि जो आप लोग कर रहे हो ना सोशल मीडिया के लिए या आपसी पर्सनल लड़ाई के लिए, वो सोशल मीडिया पे मत लाओ। लड़ाई करनी है जाकर लड़ाई कर लो, मगर आप लोगों ने जो क्या बना दिया क्या नहीं बनाया डजेंट मैटर। लेकिन अब जो तुम कह रहे हो भैया कल चैलेंज है, ये है वो है और लड़ना जाएंगे, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि आप लोग तो जाओगे, आप लोग जाओगे, लेकिन आपके साथ कितने बाढ़ और जाएंगे, कितने और बच्चे जाएंगे। कोई शरीफ जाएगा, कोई सन की जाएगा, कोई अपने माँ बाप का एक होएगा वो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो समझना। कोई अपने माँ बाप का एक होएगा, उल्लौता चलेगा, वाकई है तुम्हारे इंगे तिंगे की किसी चीज के चक्कर में वाकई लग गई, वाकई माँ बाप पे क्या गुजरेगी, है ना। और तुम जा रहे हो ना लड़ना है, एक बार अपने माँ बाप से और पूछ लेना कि जाऊं पापा मैं लड़ना है या मम्मी मैं जाऊं लड़ना है, कल को मुझे कुछ होगा था, है ना। और लड़ने का इतना है तो मेरे भाई फौज में जाओ यार, लड़ोगे जाके दूसरे देश से लड़ो यार, बड़ी जरूरत है। और भैया बस यही है कि गलत की गलत गलत मत बनो, ठीक है। और जो ये बेकार के कमेंट कर रहा है ना गाली दे के, मेरे भाई थोड़ा शांत रह, कितना बड़ा तू ना हुआ है कि तू हमें गाली दे। अगर सच में ही है तो भैया सामना कर दे दे, हम तब भी तुझसे बोलेंगे कुछ। तो भैया अपने लड़ाई वड़ाई मत करो यार, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, चैलेंज दे रहे हो, हमें तो कोई चीज समझ नहीं आ रही। अरे भैया माँ बहन की गाली दी, लाइव आके दी, तुमने भी उसको दी बराबर की दी, जिसने भी दी एक्स वाई जेड तुम दोनों ने, तो उसको पर्सनल जाके सुलटाओ। ऐसे कि भैया सोशल मीडिया पे आकर सुलटाना ये कहीं की बात ना है, ठीक है, कि सोशल मीडिया पे सुलटाना। आप जाओ उनके घर, जाओ अकेले बात करो, चार लोगों ने लेके जाओ कि भैया बड़े छोटे सब है, सबको लेके जाओ, जाके बोलो भैया गाली तूने मुझे क्यों दी, क्या मैंने तेरा कुछ बिगाड़ लिया है, मैंने तेरा कुछ खा लिया, या तूने मुझको गलत क्यों बोला, ऐसे जाके बात करो ना, कि सोशल मीडिया पे चैलेंज कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, जो भी है चाहे किसी ने भी कही हो। अब इसमें क्या है, हर बंदा घसीटता जा रहा है, हर बंदा घसीटता जा रहा है। हमारी नई यूथ को यही नहीं पता चल रहा है कि हमें करना क्या है, वो भी चल रही है चलो 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 चलो, आगे इन पे असर क्या पड़ेगा वो भी गाली देकर बात करेंगे, सोशल मीडिया पे आकर गाली देकर बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट यार ऐसे बात ना चल रही ना, एटलीस्ट ये समझो कि जो तुमसे छोटी उम्र के नए बच्चे जो भी ग्रोथ होना शुरू हो रहे हैं, अगर वो भी यही सब चीजें करते, एक का मैसेज, अगर नितिन भाई होते तो क्या आ गया, अगर नितिन भाई होते तो भसड़ ही खत्म कर देते। अरे मेरे भाई भसड़ करनी क्यों है, आपको पता है शायद, सब लोगों को पता होगा, आपने रामायण देखी होगी अच्छे से, सबने देखी होगी, सीता मैया रावण उठा कर ले गए, राम जी ने रिक्वेस्ट करके भेजी अपने दूत की भाई रिक्वेस्ट है मेरे भाई, लड़ना नहीं है मेरी लड़ाई में पर्सनल, तेरी और मेरी लड़ाई है, तो मेरी बहू ले गया, हमारी माता है ले गया, सीता माता है तेरी और मेरी है, लेकिन वहां में तेरी सेना भी मरेगी मेरी सेना भी मरेगी, हम दोनों तो खैर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये बेकसूर लोग मारे जाएंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि आप लोगों के चक्कर में बेकसूरों की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरी हमारी भाई यानी सीता मैया को मुझे दे दे, और भैया तू अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, मैं अपना वनवास में जैसे भी वनवास काटना है मैं काट लूंगा, लेकिन घमंड 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 लेगा भाई, घमंड लेगा। चलो एनीवेज मैं तो यही बोलूंगा कि भाई लड़ाई वड़ाई खत्म करो, अपने जैसे भी अपने प्यार मोहब्बत में रहो, मिलो आप, कोई बड़ा भाई इनकी गैल लगे दोनों ने मिलाने वाला कोई जैसे भी है, हम बोलोगे तो हम भी आ जाएंगे बीच में, बस मिलवाने के लिए, लड़वाने के लिए ना भाई, मिलवाने के लिए, ठीक है जी। इतना ही बोलना है, और यूथ से ये बोलना है कि भैया ऐसा मत करो, आप लोग सब वहां जाके इकट्ठे हो जाओ, अभी सोशल मीडिया पर डाल दो कि भैया कल नहीं आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और आपको पर्सनली जा मिलना है, एक दूसरे का नंबर पर फोन करो, या आप मत करो किसी से करवा दो कि भैया
आप आ जाओ, हम आ जाएंगे, हमारे मम्मी पापा हमारे बड़े बूढ़े आ रहे हैं, आप भी बड़े बूढ़े आ जाएंगे, दो चार आदमी ऐसे मिल के समझौता कर लो, बेकार की भसड़ मत करो बस। और कुछ नहीं भैया, मुझे इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच, राम राम, माँ बाप से प्यार बनाए रखो, छोटे ने सही रास्ता दिखाओ, बड़ों का सम्मान करो, बस थैंक यू। श्री राम, कैसे हैं आप सभी? मैं एक छोटी सी अपील ही करने आया हूं आज आप लोगों से। देखो, मैंने कमेंट पढ़े हैं, आप लोग वहां गंदवाड़ा कर रहे हो, कोई किसी की माँ को गाली दे रहा है, कोई किसी की माँ को गाली दे रहा है ना। अगर आप वहीं एक पॉजिटिव कमेंट करो कि यार आओ सब मिलके रहते हैं या प्यार से रहते हैं, कमेंट में पता है क्या है, कोई कमेंट कर रहा है उसकी माँ को गाली दिए जा रहा है, फिर कमेंट में उसकी माँ को गाली दिए जा रहा है, मतलब आपस में लड़ रहे हो आप लोग। आपस में मत लड़ो, देखो यही काम अंग्रेजों ने किया था, आपस में लड़ते हमें लड़वा के चले गए, और आज आप लोग ही आपस में लड़ रहे हो। सबसे पहले इंसान होना जरूरी है, और इंसान में सबसे पहले इंसानियत होना जरूरी है, उसके बाद हर माँ बहन बेटी की इज्जत होना जरूरी है। आज आप लोग 15-15 साल के बच्चे एक दूसरे को ऐसे माँ बहन की गालियां निकालते हो, और बेचारी माँ को पता ही नहीं है, बहन को पता ही नहीं है, बेटी को पता ही नहीं है, उनकी क्या गलती है पहले तो ये समझाओ। अगर आप एक मैन हो, अगर आप एक इंसान हो, तो वही आप कमेंट में नफरत फैलाने की बजाय आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि आओ हम सब मिलके रहते हैं। आप लोग आग में घी डाल रहे हो, सारे दिन यही काम कर रहे हो, मत करो यार, इंसानियत बन के रहो ना यार, क्योंकि एक दिन आप पे भी यही चीज आने वाली है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, भाईचारा कायम रहे उससे बड़ी बात तो कोई दुनिया में है ही नहीं। और कोई भी धर्म से होने से पहले सबसे पहले हम एक इंसान है, और इंसान का फर्ज है प्यार बांटना, ना कि लड़ाइयां करवाना। और ये जो नेगेटिव कमेंट करते हैं हर किसी की पोस्ट पे जाके, आप अगर एक कमेंट ये कर दो कि आओ सब मिलके रहते हैं, प्यार बांटते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बात तो वही है ना, आपको लिखना है पर आप लोग मजे लेते हो। अरे यार क्यों, क्या पड़े ऐसी जिंदगी में, क्या करोगे ऐसी जिंदगी से? 12-12, 14-14 साल के बच्चों को इतनी गाली लिख रहा है, तेरी माँ के कर दूंगा, तेरी बहन के कर दूंगा, क्या है ये सब है क्या यार? आप अपनी माँ के सामने ये बात जाके बोल सकते हो कि माँ मैं ऐसा कमेंट करके आया हूं किसी की माँ के लिए, बहन मैं ऐसा कमेंट करके आया हूं किसी की बहन के लिए? एक तरफ हम बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहां हम सब एक हैं, एक कहां है? गाली गलोच करते रहते हो आप सारा दिन, कुछ नहीं सीख पाओगे। आगे बढ़ना है, खुद पे ध्यान दो, खुद के करियर पे ध्यान दो, ये तो 3-4 दिन 5 दिन का है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे? फिर भी अपना काम करोगे ना। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्यार बांटो, नफरत मत बांटो, बहुत प्यारी दुनिया है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं जो संस्कृति और सभ्यता का देश है, जहां संस्कार सिखाए जाते हैं, जहां बड़ों का कदर मान सिखाया जाता है, ये चीजें नहीं सिखाई जाती है। आज अगर आउट ऑफ इंडिया का कोई बंदा ये कमेंट पड़ेगा क्या सोचेगा, इतना गिर गया? एटलीस्ट अपने देश का तो सोचो ना यार, प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आप सबसे, आप अपने ऊपर आपका देश है, हमसे ऊपर हमारा धर्म है, हमसे ऊपर हमारे माँ बाप है, हमसे ऊपर हमारा फर्ज है, तो प्लीज प्यार बांटो। एक कमेंट आप ये भी कर सकते हो कि आओ हम सब मिलके रहते हैं, शायद आप लोगों का एक स्टेप ये इन लोगों की सोच बदल दे, भाईचारा कायम हो जाए। जय श्री राम। राम राम जी सारे भाई ने। भैया मैं आपका भाई अनिल चौहान, और मेरा छोटा भाई राजवीर सिसोदिया और आदिनागर भाई, सारे भाई एक साथ हैं, और मैं लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ हूं, पर लेकिन जहां बात मान सम्मान की आ जाती है वहां मैं अपने भाई के साथ तन मन धन से हूं। और दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई होए ना, पर लेकिन जहां ये लड़ाई एकदम अहम पे आ जाती है तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं भाई हम दोनों भाई। मैं खुल के कहता हूं कि दोनों भाई तैयार हैं इस चीज के लिए, चैलेंज एक्सेप्ट के लिए, फुल तैयार है भैया। बाकी सारे भाई सनातनी है, सारे भाई अपने भाई है, किसी और भाई से कोई बैर कोई लड़ाई नहीं है। लोकेशन बता दो अनिल भाई। और भाई मेरे छोटे भाई राजवीर भाई है, और छोटा भाई रजत भी है, मैं तो यही कहूंगा कि लड़ाई आपस में ना करें, आप अपने घर बैठो और भाई अपने घर बैठेगा, पर लेकिन कोई टिप्पणी बेफालतू की ना करे, अगर चैलेंज करा है तो उसे पूरा भी करने का दम रखो फिर। और भाई लोकेशन ना तो यूपी होगी
अन्ना हरियाणा होगा, बीच का जो लोकेशन आप दोगे अच्छी तरह तय कर लो, दोनों तरफ से बीच की लोकेशन तय करके फोन पे बात कर लेंगे ना, लोकेशन की बार बार लोकेशन पे आपस में फोन पे बात करो, फोन पे बात करके आराम से, और लोकेशन रखो, टाइम रखो आराम से, बिल्कुल फर्स्ट क्लास टाइम रखो। तीन लोग हम आपको अपनी स्टोरी में नहीं दिखा पाएंगे, कपिल भाई को दिखा पाएंगे और हमारे भाई को दिखा पाएंगे, हमारे आदि भाई आदि आदि भाई आदि भाई सुनो, मेरे वेट करवा दोगे? आदि भाई यूं कह रहे, अगर वेट वेट कम करना हो तो मैं पानी वानी छोड़ू, सुबह फोटो ऐसी कोई वो नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त ठीक है, मैं घर से फोन आया ना, क्या कौन सी रेसलिंग हो रही है, टाइम और लोकेशन भाई बादरगढ़ की दे रखी है, एक बार दे दी तो दे दी, आना है तो आओ, नहीं आना मत आओ, एक बार दो बजने तो फिर देखते हैं किस हिसाब से। उड़ा दी है, वन वर्सेस टू हमारा डन है, कल दोपहर 2 बजे बादरगढ़ में रील भाई उड़ा दी है। अब ये बोल देंगे कि भाई प्रमोशन करने लग गया, ये रहा हमारा जाट भाई, इसने गारंटी ले ली पेज नहीं उड़ेगा, ले कर रहे हैं प्रमोशन पर फ्री कर रहे हैं मैनचोद भाई, लाइव हो ना हो इसकी गांड तोड़ दी जाएगी अगर इसने 1000 लोगों का भंडारा नहीं करवाया इस पेज के चक्कर में। डन है, ठीक है, पुण्य काम डालना है, और तूने पक्का डन जुबान दे रहा हूं भाई मैं।